आज हम बनाएंगे फ्रूट कस्टर्ड। फ्रूट कस्टर्ड बनाने के लिए सबसे पहले हम एक कप मिल्क लेंगे। मिल्क को हम धीमे आंच पे पकाएंगे। जब तक हमारा मिल्क पक रहा है, हम रूम टेम्परेचर वाली एक मिल्क लेंगे, जिसमें हम 2 स्पून कस्टर्ड पाउडर ऐड करेंगे। अब इस कस्टर्ड पाउडर को मिल्क में मिक्स करेंगे। मिक्स ऐसे करेंगे जिसमें कोई लम्स ना रहे। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लिए। अब बॉइल्ड हुए मिल्क में हम 1 कप शुगर ऐड करेंगे। शुगर ऐड करने के बाद हम इसे अब अच्छी तरह से चलाएंगे। अब इसमें हम कस्टर्ड मिल्क ऐड करेंगे। अब इसे हम धीमे आंच पे पकाएंगे, जब तक कि ये थोड़ा ठीक ना हो जाए। ये हमारा मिल्क रेडी है। अब इसे हम एक बाउल्स में निकाल लेंगे। अब इसे निकालने के बाद हम इसमें फ्रूट्स ऐड करेंगे। सबसे पहले मैंने इसमें ऐड की अंगूर। अब मैं इसमें ऐड करूँगी केला और साथ ही साथ अनार। आपके पास जो भी फ्रूट्स अवेलेबल रहे आप ऐड कर सकते हैं। मेरे पास तो इतने ही फ्रूट्स अवेलेबल थे। साथ ही साथ मैंने इसमें ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर दिए, जिससे कि स्वाद और अच्छे से आ जाएगा। ये हमारा कस्टर्ड बनके रेडी है। आप इसे मिनटों में रेडी कर सकते हैं। अभी गर्मियों के दिनों में इसे खाने में अच्छा लगता है। ये हमारा फ्रूट कस्टर्ड रेडी है।